दोस्तों, तो आज देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी को एक सबसे पहले खास बात ये कि हिसार के अंदर कमर्शियल सेक्टर आ रहा है, सेक्टर 25 जो आ रहा है, और उसकी फाइनल लिस्ट तो आई नहीं है अभी, लेकिन जो वहाँ के कलेक्टर रेट है वो लिस्ट आ चुकी है। वहाँ कलेक्टर रेट किया है कि 1 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से निकाला है। देखिए, अपने आप में एक अद्भुत सेक्टर है सेक्टर 25 हरियाणा हिसार में, और न केवल हिसार के बल्कि जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि हिसार की तरफ अभी सभी गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी के जो भी यहाँ के इन्वेस्टर, उनका रुझान हिसार की तरफ में बना हुआ है। और जो ये सेक्टर 25 आना है, लगभग 225 एकड़ के अंदर आएगा। चलिए, वहाँ तो हो गया कि भाई अगर आपके पास में हैवी अमाउंट है, आपके पास में बड़ा बजट है, तो उस पर आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि वहां पर छोटे बजट की तो एंट्री नहीं है, है ना। तो ये तो कलेक्टर रेट है, उसके बाद में उसका बेस प्राइस रखा जाएगा, उसके बाद वहां से बोली शुरू होगी, और जो मिनिमम साइज है वो 90 गज का, मैंने आपको बता दिया था कि 90 गज से स्टार्टिंग है। 90 गज के तो 7 ही शोरूम है, बाकी सारे उससे ऊपर के साइज के रहेंगे, 325, 350। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या कुछ बजट में जाए। अब बात आती है कि भाई छोटे इन्वेस्टर हैं, तो छोटे इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास में है, अगर आपके पास में पूंजी कम है, तो फिर आपको कहाँ एंटर करना चाहिए। देखिए, हिसार में अगर आप छोटी अमाउंट पे एंटर करने का अगर विचार कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से जो रायपुर रोड है, ठीक उसके सामने अपोजिट साइड में, एक तरफ जो अपना हिसार की तरफ NH10 है, जो उसके राइट हैंड साइड में अपना सेक्टर 25 और लेफ्ट साइड में रायपुर रोड है, रायपुर की तरफ जो जाती है, ये रोड दिखा दो एक बार। तो ये जो रोड है, और ये रायपुर रोड है इसको, है ना। हाँ, बस बस बस। तो इसके आसपास में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर सारा रजिस्ट्री का है, यहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहो, प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहो, आप ढाई मतलब आप 2 कनाल के 1200-1300 गज के अगर आप लैंड लेना, तो वो सब भी आपको मिल जाती है। और इसके अलावा क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो मेन रोड है वो लगभग आप 60 फीट से ऊपर का साइज उसका दिया हो। अब ये जो पीछे यहाँ आप देख रहे होगी इंडस्ट्रीज वगैरह लगी हुई है, सामने भी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि CLU मिल जाता है। कोई भी चीज़ होती है तो अगर आप कॉमर्शियल यूटिलाइज करते हैं तो CLU की जरूरत होती है, चेंज लैंड यूज, और वो लेने के लिए कंडीशन है कि 33 फुट की सड़क होनी चाहिए, जो कि ये सड़क, ये क्राइटेरिया पूरा करती है। अब यहाँ पर अगर आप बड़ी लैंड लेते हो तो क्योंकि गोडाउंस और जो इंडस्ट्रीज है उसका कंसेप्ट हिसार के अंदर अभी काफी बढ़ रहा है, और इसी एरिया के अंदर, ये पीछे मिर्जापुर रोड से लेके और जो रायपुर रोड तक का जो बीच का एरिया रहेगा, उसके दौरान ये सारा का सारा कमर्शियल जो एक्टिविटीज है, गोडाउन्स का हो गया या फिर इंडस्ट्रीज का हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आने वाले समय में बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि छोटी लैंड से लेकर छोटे इन्वेस्टर यहाँ पर किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, वो भी जब आप आएंगे मिलेंगे तो मैं आपको यहाँ लोकेशन दिखाऊंगा और आपको यहाँ की बताएंगे कि क्या यहाँ आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकते हैं। रही बात जैसे मिर्जापुर रोड के, वहाँ पर कुछ एक दिक्कतें हैं, वहाँ पर है कि भाई कई कंडीशंस हैं कि कई जगह NOC वगैरह चाहिए, जो एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है, वहाँ पर इतनी इजीली आप लैंड परचेज नहीं कर सकते, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हटकर हो गया। और यहाँ आप लैंड वगैरह परचेज करने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती। और मैंने जो आपको बताया कि रजिस्ट्री के लिए 2 कनाल से ऊपर के सारे प्रॉपर आपकी रजिस्ट्री होती है, और उसके बाद में CLU आप ले, बकायदा जो मेन रोड है वो तो 60 फुट से ऊपर की है, उसके साथ में आपको और भी जो लैंड वगैरह डेवलप होती है वो सारी 33-33 फुट की से ऊपर की सड़कें मिल जाती है, ताकि आपको CLU वगैरह लेने में कोई ज़्यादा दिक्कतें ना आए। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ना केवल हिसार वासी बल्कि आउटसाइडर के, मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जो आउटसाइडर के निवेशक है, जो आउटसाइडर के इन्वेस्टर है, तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर गोडाउंस वगैरह बना के उसको रेंट पे दे सकते हो, जो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में यहाँ आपको दिख रहा होगा, कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ, 4 से 5 साल पहले यहाँ किसी प्रकार का कुछ, ये बिल्कुल ना रेतीली जमीन यहाँ पर होती थी।
लेकिन अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आने शुरू हुई, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर चहल पहल भी बढ़ी, यहाँ रेट्स भी बढ़ने शुरू हुए। आज की अगर मैं बात करूँ तो गजों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप ये मान के चलिएगा यहाँ पर 14-13-14 हज़ार रुपये गज से शुरुआत हो जाती है। बाकी लोकेशन वाइज डिपेंड करता है कि आप किस लोके कितनी जो NS10 है उससे कितनी आगे लेते हैं और कितनी उससे डिस्टेंस पे लेते हैं, किस तरीके की आप लैंड लेते हैं, वो सारी चीज़ें मायने रखती है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ पीछे जो तोसाम रोड की, तोसाम रोड के ऊपर क्या है कि आज रेट काफ़ी ऊपर चले गए, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि जो अभी डील्स हो रही है वो काफ़ी हाई रेट्स के अंदर हो रही है, तो एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर उसके रीच से बाहर होता चला जा रहा है ये सारा का सारा एरिया। और कैमरी रोड तो वैसे आउट ऑफ रीच हो गया, क्योंकि वहां पर सिर्फ जो डेवलपर है वही वहाँ अंदर एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद मिर्जापुर रोड का मैंने आपको बता दिया सीन की, वहां पर कई जगह पे CLU वगैरह का इश्यू है, तो वो चीजें होती है। तो जो रायपुर रोड है, तो ये अभी भी इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टर अभी तक आए थे और ना उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। अब धीरे धीरे इस एरिया में ये जो सेक्टर 25 का है ये आने की वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें अभी ग्रोथ आनी शुरू हुई है, और अभी तो शुरुआत हुई है। जो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप लेट नहीं हुए, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए तो आप अभी भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि अभी मौका मिल रहा है यहाँ। यहाँ पहले इससे पहले अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूँ तो यहाँ किसी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे लोग, और ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट हुआ था, क्योंकि तब सभी का फोकस था जो हिसार एयरपोर्ट के आसपास के एरिया पे। लेकिन अब जैसे जैसे उससे दूरियां भी बढ़नी शुरू हुई, यहाँ पर आगे जो CLU का है वो भी इश्यू नहीं होता, यहाँ लाइट की जो कनेक्टिविटी है वो सारी चीज़, सड़क हो गया, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम NH10 वो काफ़ी नज़दीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अच्छा लगे तो नमस्कार, धन्यवाद।